हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज जो मैं टॉपिक लेके आया हूँ वो है ट्राइसेप के बारे में। देखो, एक बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते लड़के सिर्फ बाइसेप को ट्रेन करते रहते हैं। अगर आपको आर्म का साइज़ बढ़ाना, अपने डोले का साइज, बाइसेप और ट्राइसेप दोनों को ही ट्रेन करना पड़ेगा। इवन ट्राइसेप को ज़्यादा फोकस दे बाइसेप से, क्योंकि बाइसेप का एरिया इतना नहीं होता। 2/3 ऑफ जो आपका आर्म का साइज़ है वो ट्राइसेप पे डिपेंड करता है। तो ट्राइसेप को भी ट्रेन करना है आपने, सिर्फ बाइसेप पे ही फोकस ना करें। पिछली 2 वीडियो मेरे चैनल पे बाइसेप के बारे में मैंने बताई हैं, बाइसेप का पीक डेवलपमेंट और उनकी एक्सरसाइजेज वगैरह जो हैं मेरी फेवरेट, वो आप जाके एक बार जरूर देखें वीडियो, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि बाइसेप कैसे डेवलप करना है अपना, या कोई भी मसल जो है कैसे, जो भी वीक मसल है वो कैसे डेवलप करना है, और पीक डेवलपमेंट बाइसेप की कैसे होती है आपको पूरा पता लग जाएगा। जाके वीडियो जरूर देखें। तो ट्राइसेप की बात करते हैं फ्रेंड। ट्राइसेप 2/3 ऑफ द आर्म का एरिया जो है ट्राइसेप का। तो ट्राइसेप अगर आप 2 तरीके, या तो आप लगा रहे हैं बाइसेप के साथ, या फिर आप लगा रहे हैं चेस्ट या शोल्डर के साथ, सभी शेड्यूल्स में यही होता है, या फिर आप सिंगल ट्राइसेप ही लगा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ बता दें, ट्राइसेप तीन हेड हैं इसके, तीन हेड हैं, लेटरल हेड, लॉन्ग हेड और मीडियल हेड। तो आपको एटलीस्ट तीनों हेड को हिट करके ही जाना है अपने वर्कआउट के दौरान, ठीक है। अगर आप कम से कम ज़्यादा टाइम नहीं है, तब भी 3 एक्सरसाइजेज ज़रूर लगाएं, जिसके कारण तीनों हेड ही हिट हों इसके, और आपका कंप्लीट मसल फाइबर ट्राइसेप का हिट हो, तभी आप अपना वर्कआउट जो है एंड करें उसका। अगर बाइसेप ट्राइसेप इकट्ठे लगा रहे हैं तो आपके पास सफिशियंट टाइम है, आप 4 एक्सरसाइज ट्राइसेप की लगाएं, 3 बाइसेप की लगा सकते हैं। अगर शोल्डर या चेस्ट के साथ आप ट्राइसेप लगा रहे हैं, तो फ्रेंड पहले ही चेस्ट और शोल्डर की जो भी एक्सरसाइजेज होती हैं उसमें ट्राइसेप की मूवमेंट होती है, ट्राइसेप का मसल फाइबर बहुत ज़्यादा हिट हो चुका होता है, क्योंकि ट्राइसेप एक पुश मसल है, और चेस्ट और जो शोल्डर की एक्सरसाइजेज वो भी सारी पुश एक्सरसाइजेज हैं। तो आपका जो है ट्राइसेप की मूवमेंट भी बहुत हद तक होती है, उसके जो मसल फाइबर है बहुत हद तक एक्टिवेट हो चुका होता है उसमें, ट्राइसेप जब आप चेस्ट या शोल्डर के साथ इसको लगाते हैं। तो आपको मैं बता दूं, जैसे आप अगर चेस्ट के साथ लगा रहे हैं तो आप इसकी 3 एक्सरसाइजेज ज़रूर करें, या शोल्डर के साथ लगा रहे हैं तो 3 एक्सरसाइजेज इसकी ज़रूर करें, उनके 4 सेट ज़रूर करें। फर्स्ट हो गया आपका क्लोज ग्रिप बेंच प्रेस। क्लोज ग्रिप बेंच प्रेस और लेटरल हेड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका मसल फाइबर वो बहुत ज़्यादा हिट करता है। इवन आप हैवी लगाएं क्लोज ग्रिप में, कंट्रोल्ड लगाएं, और पूरा उसको फोकस करें, उसको मसल को अपने ट्राइसेप को, आपका जो है आपका लेटरल हेड डेवलपमेंट के लिए जो क्लोज ग्रिप बेंच प्रेस है, हम कहते हैं जिसको क्लोज ग्रिप लगाते हैं हम ट्राइसेप के लिए होती है वो, जितना बेंच प्रेस में हम अपना शोल्डर विड्थ अपार्ट रखते हैं अपने हैंड्स को, हाथों की ग्रिप को शोल्डर विड्थ या शोल्डर विड्थ से ज़्यादा हम उसको अपार्ट रखते हैं, दोनों हाथों के ग्रिप को अपने क्लोज ग्रिप में वो क्लोज होते हैं बिल्कुल, ठीक है, थोड़ा सा गैप होता है उसमें, वो हमारे लेटरल हेड के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्लोज ग्रिप बेंच प्रेस फर्स्ट एक्सरसाइज होगी। दूसरी जो लॉन्ग हेड के लिए हम लगा सकते हैं जो ट्राइसेप एक्सटेंशन, ओवरहेड ट्राइसेप एक्सटेंशन, ये आप रॉड से भी लगा सकते हैं, ईजेड रॉड जो होती है उससे भी लगा सकते हैं, जो जिगजैग रॉड जिसको कहते हैं, और या आप सिंगल डंबल से भी लगा सकते हैं, या जो सिंपल रॉड होती है उससे भी लगा सकते हैं। ट्राइसेप एक्सटेंशन, ओवरहेड ट्राइसेप एक्सटेंशन की बात कर रहा हूँ, जिसको बैक से रॉड लेके या डंबल से लेके हम पीछे से लगाते हैं। तो ये होगी सेकेंड एक्सरसाइज। तीसरी एक्सरसाइज जो है वो है जो पुश डाउन, ट्राइसेप पुश डाउन, जो हम उस अपने पुली के साथ लगाते हैं, वहाँ पे उसका ग्रिप लेके हम रोप से लगा सकते हैं, या उसकी रॉड होती है जो वो हम लगा के हैंडल, उससे हमने ट्राइसेप पुश डाउन करते हैं। अगर आप उससे करें, इसके डिफरेंट डिफरेंट मूवमेंट्स हैं, अगर आप रोप से करें उसके ज़्यादा अलग बेनिफिट हैं, वो और ज़्यादा आप उसको डेप्थ में लेके जा सकते हैं, ज़्यादा डीप लेके जा सकते हैं, ज़्यादा अच्छी तरह कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। और अगर आप उसको जो रॉड का ग्रिप होता है वो उससे लगाएंगे ट्राइसेप पुश डाउन, तो उसके भी अलग बेनिफिट है। तो आप मतलब दोनों भी लगा सकते हैं, या एक तो रोप से एटलीस्ट लगाएं। तो ये 3 एक्सरसाइज जो है मेरी फेवरेट है, आप ये जरूर लगा के जाएं, आपके पास टाइम हो, अगर ज़्यादा हो तो ज़्यादा भी एक्सरसाइज लगा सकते हैं ट्राइसेप की, पर एटलीस्ट जो 3 मैंने बताई हैं ये ज़रूर लगा के जाएं, ताकि आपका जो ट्राइसेप का मसल फाइबर है वो ऑलमोस्ट सारा ही हिट हो, ठीक है। और ट्राइसेप डेवलपमेंट के लिए मैंने जैसे पहले भी बात की थी, बाइसेप के डेवलपमेंट के लिए क्या ज़रूरी है, इवन सभी मसल्स के लिए सेम चीज़ ज़रूरी है, ज़्यादा से ज़्यादा जो है आपका मसल फाइबर हिट हो उस एरिया का, ताकि उसकी प्रॉपर डेवलपमेंट हो पाए जब आप अच्छी डाइट लें, अच्छी रेस्ट लें। तो
फर्स्ट एक्सरसाइज जो है वो है क्लोज ग्रिप बेंच प्रेस, सेकंड जो है ओवरहेड ट्राइसेप एक्सटेंशन, और थर्ड जो है वो है ट्राइसेप पुश डाउन। तो ये तीन एक्सरसाइजेस मेरी फेवरेट हैं। इवन ये आप देखेंगे इससे आपका ट्राइसेप का जो पंप है वो भी बहुत ज़्यादा आएगा। आपने एटलीस्ट 4 सेट लगाने हैं, 4 सेट लगाएं इसके, और ज़्यादा से ज़्यादा इसके 10 से 15 रैप के बीच में इसके सेट रखें और फेलियर तक लेके जाएं। लास्ट जो सेट होगा, अगर 4 सेट लगा रहे हैं तो 3 सेट तक आप ये जो रैप्स है मैंने बता दिए 10 से 15 होंगे, और लास्ट जो सेट होगा हर एक्सरसाइज का वो फेलियर तक जाएगा। मतलब जब तक आप लगा सकते हैं तब तक आप लगाएं, ज़्यादा से ज़्यादा रैप लगाने की कोशिश करें हर लास्ट सेट में, जिससे क्या है मसल फाइबर ज़्यादा से ज़्यादा टूटे माइक्रो टेयर के कारण, जब वो हम उसको डाइट से अपने प्रोटीन से वापस उसकी रिकवरी करें तो वो उसका साइज़ और ज़्यादा बड़ा हो, वो और ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी उस ट्राइसेप में, और ज़्यादा स्ट्रेंथ आ गई हो और उसका साइज़ भी बढ़ गया हो, जो कि दोनों चीज़ें ज़रूरी होती हैं। जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं हम मेनली यही चीज़ देखते हैं कि हमारी स्ट्रेंथ भी बढ़े और हमारा साइज़ भी बढ़े। तो ये दोनों तभी होंगी जब मसल फाइबर अच्छी तरह हिट होगा और हम डाइट से और स्लीप से, अब डाइट और रेस्ट से अच्छी रिकवरी उसको दे पाएंगे अपने न्यूट्रिशन से और अपनी रेस्ट से। तो ये आज की वीडियो थी ट्राइसेप के बारे में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं फ्रेंड्स, मैं उस पर वीडियो डाल दूंगा बहुत जल्दी। लव यू फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कर लें, लव यू।